नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं नेरिस एंट्रेंस एग्जाम NE3 2022 के क्वेश्चन पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर का फिजिक्स सेक्शन, मैथ सेक्शन और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का सेक्शन को सॉल्व किया है, तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, और हम लोगों को केमिस्ट्री सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चन हम लोगों को वन मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ एजी प्रेशर ए गैस ऑक्यूपाइड 200 ml वॉल्यूम, व्हाट विल द प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 300 ml। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 498.16 mm। और इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो देखिए, ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या किए हैं, पहले P1 हम लोग ले लिए हैं, वो P1 हम लोगों को 760 mm ऑफ Hg दिया था और V1 200 ml ऑफ Hg दिया है। T1 हम लोग को 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, जिसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट किए हैं, तो हम लोग को 298 केल्विन आया है। उसके बाद हम लोग को V2 जो दिया था वो है 300 ml दिया है, और T2 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट किए टेम्परेचर को, तो हमें 293.15 केल्विन आया है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को यूज़ करेंगे कंबाइन गैस लो को। तो ये कंबाइन लो गैस क्या कहता है, तो PV प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, इस जितने भी वैल्यूज को है उसको पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें P2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो P2 का वैल्यू हमें कितना मिला है, 498.16 mm ऑफ Hg। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया है, सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ 4.27 आर्मस्ट्रॉन्ग, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या दिया है हमें सॉल्यूशन में। तो देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 26 का। तो यहाँ पे हम लोगों को इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके यहाँ से हम लोग R का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू मिला कितना हमें, 1.857 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, यहाँ पे नहीं दिया है, 1.5 तक ही दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 1.85 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में हमें पूछा है, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ 12 m एंड 4 m HCl मस्ट बी मिस टू गिव 1000 ml ऑफ 6 m HCl। m का मतलब यहाँ पे मोलिटी होगा, 12 मोलिटी दिया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं 28 का क्वेश्चन नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग मोलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन कितना दिया था, 12 m दिया था, और मोलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन हम लोग को 4 mm दिया है, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 1000 दिया था, और वॉल्यूम ऑफ मोलिटी ऑफ मिक्सचर 6 m दिया था। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से हम लोग इसको इक्वेट करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें जो V1 का वैल्यू मिलेगा वो है 2/8 लीटर्स। तो इसको अगर हम लोग चेंज करें तो इसे हमें कितना मिलेगा, 200/800 मिलेगा। उसी तरह हम लोग V2 का कितना मिला है, तो 300 × 3 = 4 मिला है, दैट मीन्स दैट 300 × 400। तो यहाँ पे हमें देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या दिया है। तो देखिए, हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो 200 × 200, 800 दिया है। तो ये हमारा जो है वो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में हमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें से कौन सा जो है वो है उसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 0.1 m NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया है, 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन नीड 0.5 mg ऑफ गैलेटिन फॉर दिस प्रोटेक्शन फ्रॉम कोगुलेशन, द गोल्ड नंबर ऑफ गैलेटिन इज। तो गोल्ड नंबर ऑफ गैलेटिन हम लोगों को पूछा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में हमें दिया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ वाटर सैंपल इज 2.0 × 10^-3 m।
तो व्हाट इज़ द पीएच सॉल्यूशन, तो पीएच सॉल्यूशन हम लोगों को पूछा है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला एक है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करके पीएच वैल्यू फाइंड किए हैं। तो देखिए ये 31 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो ये हमारा फॉर्मूला है पीएच फाइंड करने का। तो यहाँ से हम लोग इस पर पुट कर दिए हैं, तो यहाँ से पुट करने के बाद हमें वैल्यू कितना मिला है 2.69। तो यहाँ पर हमें 31 का करेक्ट ऑप्शन है वो है 2.69, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिया है, ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल टू 2.5×10⁻³ पर सेकेंड, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 277s। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए लोअर ब्रॉन्स्टेट एसिड एज वेल एज बेस, लॉन्ड्री ब्रॉन्स्टेट एसिड एंड एज वेल एज बेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 33 का वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी SO4⁻². और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O एंड Na2O2 आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 34 का वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए +1 और +1, ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो ये वाला हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में हमें दिया है, द करेक्ट ऑर्बिटल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=4 एंड एज्यूमल्ड क्वांटम नंबर इज l=3 इज। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का 35 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा, देखिए ये इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 34 का एक्सप्लेनेशन ये है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किस तरह से यहाँ पे फाइंड किए हैं। तो देखिए दोनों का हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर +1 +1 आया है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 35 का कर रहे थे, तो 35 में हम लोगों देखिए एज्यूम नंबर यहाँ से हम लोग को n=4 n=3, तो हम लोग को सबसेल कितना है 4f है, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा भी था। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है हम लोग को ऑप्शन नंबर डी 4f, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो 36 में हमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN रिएक्शन मोस्ट इजीली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओके ये। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया है, द हाइब्रिडाइजेशन दैट कैन अकाउंट फॉर सेप CIF3 मॉलिक्यूल्स इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी SP³D। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में हमें दिया है, ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस चारों ऑप्शन का। तो यहाँ पे देखिए ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और इससे पहले हम लोगों का एक पूछा था हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 37 का, देखिए ये एक्सप्लेनेशन है हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला, ये हम लोग को सराउंडिंग एटम्स प्लस वैलेंस ऑफ OF इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला फाइनली लास्ट में, SP³D हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 का जो एक्सप्लेनेशन है ये रहा। तो देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे कंडीशन दिए हैं, यहाँ पे ये कंडीशन दिए हैं, द रिएक्शन वुड नॉट स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन जो कब स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, तो यहाँ से इस चीज़ को अगर अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, ये तीनों चार कंडीशन दिए हैं, तो यहाँ से आप लोग इजीली इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। तो फाइनली जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 38 का वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी T∆S > ∆H एंड बोथ ∆H and S आर पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 हमें दिया है यहाँ पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी K2+ K+ C A2+ K+ Cl- और S2-, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया है इन रिएक्शन 4m प्लस 8cn माइनस प्लस 2H2O प्लस O2, उसके बाद ये रिएक्शन दिया है और हमें पूछा है द मेटल m इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 का वो है गोल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में हमें दिया है जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एन। तो जर्मन एलॉय जो होता है वो किसका, जर्मन सिल्वर जो होता है किसका एलॉय होता है, कॉपर और जिंक और NI। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन H2SO4 टू गिव ओलियम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी SO3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ये मोस्टली एग्जाम में आप लोग का आते रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग क्या करना मार्क करके रख देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमें दिया है आइडेंटिफाई द कंपाउंड बी इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरोबेंजेन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए 44 जो है हम लोग का ये क्वेश्चन इजी है, आपको यूपीएससी नेम आप लोगों को पूछा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ कि आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में भी हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन पूछा है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल नॉट अंडरगो केनाइजारो रिएक्शन। तो इसका भी आप लोग आंसर क्या करो कमेंट सेक्शन में दो, आप लोग खुद भी करो। सारे क्वेश्चन अगर मैं कर दूंगा तो फिर नहीं भी होगा, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करो। तो मैं ये दो क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 45 का। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए C6H5CHO। इसका मैंने दे दिया हूँ, तो यहाँ पे एक का नहीं दिया और किसका नहीं दूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 और 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 और 47 ये दोनों आपको खुद से करना है, ये रिएक्शन है। ठीक है, और इस रिएक्शन को आप लोग खुद से सॉल्व करना और इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो क्या है, नायलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो नायलॉन किसका एग्जांपल है, वो है पॉलीएमाइड का। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 49 में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो जो फोटो स्मोक केमिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 हमें पूछा है टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये जनरली आप लोग देखते रहते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी CaHCO3Hol2। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने क्या किया, केमिस्ट्री सेक्शन का फुल सॉल्यूशन दे दिया है मैंने। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। तो अगर आप NE3 प्रिपेयर कर रहे हो तो इस मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर दो, ताकि इससे पहले इसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंच सके। थैंक यू।